सोनीपत दे विच व्याह दे नाम ते धोखाधड़ी करन दा एक मामला सामने आया। मुंडे वालियां दे वल्लों व्याह दे नां ते 80,000 रुपए लए गए ते तीजे दिन ही कुड़ी रफू चक्कर भी हो गई। पूरा मामला की है ओह वी तुहानू दस दिंदे आ। एक फिल्म तो तुसी सारा ने जरूर देखी होएगी, रोंदे सारे व्याह पिछों। जी हाँ, अजे आई मामला फिल्म दे विच नहीं सगों असल जिंदगी दे विच होया है, सोनीपत दे एक परिवार दे नाल। दरअसल उस फिल्म दे विच एक कुड़ी झूठे व्याह कराउंदी है ते दूसरे दिन सारा कुछ लुट सुट के फरार हो जाती है। इत्थे मुद्दा उही है, बस 19-21 दा फर्क है। इस परिवार दे नवीन नां दे लड़के दे नाल करिश्मा नां दी कुड़ी दे नाल व्याह कराया गया। परिवार के दसन के मुताबिक सत्यम नां दे विचोले ने यह रिश्ता 80,000 रुपए के बदले तय किया। व्याह तो पहला रकम भी दे दी गई, पर तीजे दिन बाद ही करिश्मा की भूआ लैन आ गई और होर पैसे की मांग रखी, जबकि बाद दे विच पता लगा कि भूआ भी असली नहीं है। इस तो बाद परिवार ने पुलिस नूं शिकायत दी। घटना सोनीपत के पिंड खेवला की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है ते जांच दौरान करिश्मा ते सपना नूं काबू करके सपना का रिमांड हासिल किया। मुढ़ली जांच दे विच एक खुलासा हो चुका है कि भोले भाले परिवार नूं ए ठगां दे गैंग ने ठग लिया है। पुलिस होर जांच कर रही है, होर भी अजिहियां साजिशां इन्हां दे वल्लों रचियां गईयां जां अगे भी कोई होर प्लैन है। सत्यवान ने बोला करंट में काम करवा दूंगा जल्दी, ऐतवार न देखना और सोमवार न कोर्ट में करवा दूंगा और तू दे दिए 80,000 रुपये दे दिए। कोर्ट मैरिज हो गया, कच्चा पक्का करवा दिया, रुपये दे दिए। फिर दोबारा रुपये देने के बाद वह आन कर न जो रुपये लेगी थी बचोला और जो वह फिर लड़की ने बोली चल मेरे साथ। लड़की रोन लग गई 3 दिन के बाद, अग नहीं रोऊँ नहीं रोऊँ, यह मेरी बुआ है जाएंगी। मौके पर जाकर रेड की तो उसमें कि करिश्मा जिस लेडी के साथ भागने वाली थी उसका नाम था सपना। तो सपना और करिश्मा को दोनों को कल मौके से गिरफ्तार किया है और दोनों से पूछताछ जारी है। 80,000 रुपये सपना ने लेकर के ये शादी कराई थी। सोनीपत तो ब्यूरो रिपोर्ट, NC7 न्यूज़।